सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी चैनल को और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है HTML का, जिसमें हम लेसन 4 के अंदर बताएंगे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कौन कौन सी होती हैं, कितनी हेडिंग टैग होती हैं और हेडिंग टैग हम किस प्रकार लगाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप टेक्निकल संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी ज्ञान लेना चाहते हैं, तो हमारा चैनल और है कंप्यूटर गुरुजी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाएं, उस चैनल पे भी अपना प्यार दिखाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीखते हैं। देखिए, इससे पहले वीडियोज़ में मैंने एक ही फाइल में काम करना बताया था। जितनी भी टैग बताई थी मैंने, लगभग वहाँ पे टैग बताई थी आपको 12-13 टैग बताइए, वो एक ही फाइल के अंदर बताइए। लेकिन इसमें मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ, इसमें आपको बताऊँगा। सारे HTML के ट्यूटोरियल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको नोटपैड एंड HTML का प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे HTML के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हुए, जैसा कि हमने बताया था, हम HTML किस प्रकार शुरू करेंगे, हम लेस देन से शुरू करेंगे। पहली टैग होती है हमारी HTML, वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी टैग होती है हेड टैग। मैं फटाफट ये हेड टैग लगा लेता हूँ, जितनी भी टैग थी मेन। देखिए, मैंने सारी टैग लगा ली है और मैंने जो काम करना है वो यहाँ पे करना है। मैंने बता रखा है कि सारा काम हमने बॉडी टैग के अंदर करना है, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा और गैप डाल लेते हैं और यहाँ पे इस HTML ट्यूटोरियल में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टैग्स देखिए और टैग से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्या टैग है और वो क्या काम करने वाली। सबसे पहले आती है हमारे पास हेडिंग टैग। अगर हमने नॉर्मल पैराग्राफ, नॉर्मल नाम लिख रखा है, ठीक है, और हम डाल देंगे लाइन ब्रेक यहाँ पे। अब हमने लगाना है फर्स्ट हेडिंग, की कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी का फर्स्ट हेडिंग। हमारे पास क्या क्या चैप्टर है, हम क्या क्या सिखाते हैं, उस हिसाब से हमने पहली हेडिंग दे दी कि हम भाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग 1। उसके लिए हम टैग शुरू करेंगे H1 और यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं मान लो फंडामेंटल, ठीक है। हमने फंडामेंटल बताना है और हम कर देंगे हेडिंग 1 क्लोज, ठीक है। फंडामेंटल के बारे में जो भी हमने टाइटल, जो भी लेसन लिखा वो लिख देंगे। अब हमने करना है फिर से फंडामेंटल के अंदर, सबसे पहले आ जाता है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे मैं उसको देना चाहूँगा हेडिंग 2 के नाम से। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे हेडिंग 2 और यहाँ पे लिख देंगे हम एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ भी कर देंगे हम हेडिंग 2 को क्लोज। अब आपने ये ध्यान रखना है कहाँ पे आपने हेडिंग 1 रखनी है, कहाँ पे हेडिंग 2 रखनी है। जैसे कि ये तो मेन फंडामेंटल हो गया हमारा हेडिंग 1, इसके अंदर हमने पहला पार्ट हो गया हमारा हेडिंग 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर हमने सिर्फ यहाँ पे लिखना है हार्डवेयर। तो हम यहाँ पे करेंगे, इसको निकाल देंगे हम यहाँ से और सिर्फ हमने लिखा हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर हमने लिख दिया हेडिंग 3 और यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट डिवाइस। हेडिंग 3 को क्लोज करेंगे, फिर से हम हेडिंग 3 यूज करेंगे और आउटपुट डिवाइस और हेडिंग 3 को हम फिर से बंद कर देंगे, ओके। अब हमने लेना सॉफ्टवेयर का, तो उसके लिए हम उसको हेडिंग 2 देंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल का चल रहा है। तो अभी मैं देखना मैं किस प्रकार से लिखता हूँ। मैं फिर से करता हूँ हेडिंग 2 सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हो गया सॉफ्टवेयर और हेडिंग 2 क्लोज। यहाँ फिर से हम हेडिंग 3 यूज करेंगे, हेडिंग 3 के अंदर हम लिख देंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, हेडिंग 3 क्लोज। फिर से हम हेडिंग 3 लेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हेडिंग 3 फिर से क्लोज कर देंगे, ठीक है।
फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर आगे इसको फाइल को सेव करते हैं। हम करेंगे कंट्रोल एस और इस फाइल का नाम देते हैं हम हेडिंग डॉट एच टी एम एल, हमने इस फॉर्मेट में सेव करना है। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, हमारी फाइल सेव हो गई। एस टी एम एल है, ये हेडिंग ये रही, ठीक है। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ तो जो हमने बनाया वो देखो किस प्रकार से बनाया। देखो सबसे पहले फंडामेंटल हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमने जो फंडामेंटल की जो भी हमने डेफिनेशन लिखी थी डेफिनेशन लिख दी। हार्डवेयर हमारी हेडिंग वन हो गई, वन नहीं है हेडिंग वन तो ये है हमारी ना हेडिंग वन, फिर ये हो गई हेडिंग टू हार्डवेयर, अब देख रहे हो हेडिंग टू सॉफ्टवेयर, ये हमारी दोनों हेडिंग अलग नज़र आ रही है ना, और ये इसकी हेडिंग थ्री। ऐसे हेडिंग फोर अगर इनपुट डिवाइस के हमने नाम लिखने हैं तो हम हेडिंग फोर के नाम से डाल सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे देखिए, हम फिर से नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम आ जाएंगे हेडिंग थ्री के बाद, इधर इधर हम करेंगे हेडिंग फोर और यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट डिवाइसेस, एक हो गई माउस हो गया, एक और लिख देते हैं स्कैनर हो गया, ओके, और कर देंगे हेडिंग फोर को हम क्लोज। और इसी तरह से हमने करना है अब इस वाले में हेडिंग फोर, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे हेडिंग फोर और यहाँ पे हमने कर देना है मॉनिटर प्रिंटर और हेडिंग फोर को क्लोज कर देंगे। अब सेव करते हैं इस फाइल को और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी हेडिंग टू हार्डवेयर, इसकी हेडिंग थ्री में इनपुट डिवाइस, हेडिंग फोर में ये डिवाइसेस होगी, फिर हेडिंग थ्री, फिर हेडिंग फोर, अब यहाँ पे फिर से हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग थ्री, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे हमने हेडिंग्स डालनी है और उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर टोटल छः हेडिंग होती है, हमने चार हेडिंग तक डाल ली, अब डालते हैं हम हेडिंग फाइव। मैंने लिखा नेम, हेडिंग फाइव बंद कर देंगे, फिर से हम डालेंगे हेडिंग सिक्स, और हेडिंग सिक्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया हमारा, सेव करते हैं इस फाइल को और यहाँ पे देखते हैं फाइव और सिक्स का साइज क्या आता है हेडिंग्स का। इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेडिंग फाइव और हेडिंग सिक्स, ये हमारे हेडिंग फोर, फाइव और सिक्स, ये इस तरह का डिफरेंस आएगा। अगर हम सारी हेडिंग्स कंटिन्यू करके देखना चाहें तो मैं कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, मैं बीच में से जितनी भी हेडिंग्स हैं वो एक बार डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ मेन मेन हेडिंग्स हम रखेंगे यहाँ से, ये ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारी हेडिंग्स हो गई। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और इनका डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको, तो हमारी सारी हेडिंग्स कंटिन्यू इस हिसाब से चलेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। तो ये हेडिंग्स थी, अगर हमने हेडिंग्स का किस प्रकार करना है, हम कैसे HTML में हैड टैग लगाएंगे, तो उम्मीद है आप इस वीडियो से सीख गए होंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।